कि आपका मोबाइल का डाटा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी सेटिंग और ऐप के बारे में बताएंगे जिसकी सहायता से जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, बीआई आदि सिम इत्यादि इंटरनेट डाटा बचा सकते हो आप। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपका जल्दी डाटा क्यों ख़त्म होता है और किस कारण से ख़त्म होता है, पूरी जानकारी इस वीडियो को दूंगा। और वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, डाटा को बचाने के लिए सबसे पहला उपाय है कि फ़ोन के डाटा सेविंग मोड को ऑन रखिए। आप फ़ोन के डाटा सेविंग को ऑन भी रख कर अपना डाटा को बचा सकते हैं। मैं निम्न कारण बता देता हूँ, अभी धीरे धीरे आपको सभी कारण आपको बता दूँगा। आपको करीब 8 सेटिंग करना होगा अपने मोबाइल में जिससे अपने डाटा को बचत कर सकते हो। बचत करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सेटिंग में चला जाना है। मैं अपनी सेटिंग अभी ओपन करके दिखा देता हूँ। आप भी अपने फ़ोन में ऐसे सेटिंग ओपन कर सकते हो। मैं अपनी सेटिंग को यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए डाटा सेविंग या कुछ भी, आप जो भी सर्च करना चाहते हैं अपनी सेटिंग में देख लीजिए। डाटा सेविंग में अपना सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर डाटा सेविंग करने के बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर आ गया डाटा सेवर। डाटा सेवर ओपन कर लीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरे ऑफ है, अभी ऑफ है। ऐसे आप भी ऑन कर लीजिए, इससे अपना डाटा कभी ख़त्म नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे ख़त्म होगा, ऐसे जल्दी ख़त्म नहीं होगा। इसे ऑफ ऑन करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने पर अपने होम स्क्रीन पर चले जाना है। दोस्तों दूसरी सेटिंग में आपको यहाँ पर अपने जो भी ऐप बैकग्राउंड में चल रहे हैं, जितने भी ऐप बैकग्राउंड में चल रहे हैं उसे आप क्लीन करके रखिए। जितना आपके ऐप बैकग्राउंड में चलेंगे, नेट जिस जो भी ऐप नेट से चलता है, जो भी बैकग्राउंड से चलता है वो आप ऑटोमेटिकली नेट खाता रहता है। जैसे मेरे 3 ऐप बैकग्राउंड में चल रहे हैं, मैं को स्टॉप कर देता हूँ। 2 मेरे ओपन हैं जो अभी मैं चला रहा हूँ। आप ऐसे ओपन करके बंद कर सकते हो जिससे अपना डाटा को बचत कर सकते हो। और आपको मैं एक तीसरी सेटिंग बताता हूँ जिससे अपना डाटा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बचाने के लिए इसे करना ज़रूरी होता है। आपको वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देकर होगा सिस्टम। सिस्टम पर यहाँ पर क्लिक कर देना। सिस्टम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट पर करने के दाएं तरफ आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे बंद करना क्योंकि ऑटो में ऑटोमेटिकली यह डाउनलोड होता रहता है। तो डू नॉट अलाउ पर क्लिक कर दीजिए। मैं डू नॉट अलाउ पर क्लिक कर देता हूँ, आप इसे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर बंद है, इसे ऑन कर दीजिए। जो आपको नीचे दिख रहा ऑटो, इसे ऑन कर दीजिए। इसे अपना डाटा ऑटोमेटिकली अपलोड नहीं होगा, ये ऐसे बैक कर लेना। बैक करने के बाद फिर अपने होम स्क्रीन पर आ जाना। दोस्तों अब मैं आपको चौथी सेटिंग बताता हूँ जिससे अपनी फोटो आप गूगल फोटो पर अपलोड करते हो तो ऑटोमेटिकली पे कर देते हो, तो अपन ऑटोमेटिकली अपना नेट को जैसे आप फोटो फोन में लेते हो तो ऑटोमेटिकली वो गूगल पे चली जाती है, जिससे अपना डाटा बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, खर्च हो जाता है। आप ऑटोमेटिकली मान लीजिए आप किसी वीडियो किसी दोस्त से लिए और वो अपने गूगल ड्राइव पर चला गया तो ऑटोमेटिकली वो नेट ख़त्म कर देता है। तो पास यहाँ से बैकअप ऊपर कर देना, इसे बंद कर देना। जब आपके चालू हो तो इसे ऐसे बंद कर देना। आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर दिखाएगा और बैकअप क्लिक करना है। यहाँ से आपका ऑन होगा, इसे ऑफ कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ऐसे ऑन होगा, इसे आप ऑफ कर देना, जिससे अपना डाटा बहुत ज़्यादा बचत होगा और आपका जल्दी नेट ख़त्म नहीं होगा। और यहाँ से अपने बैक आ जाना है। आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ जाना। अब मैं लास्ट सेटिंग बताता हूँ आपको, पांचवी सेटिंग प्ले स्टोर पर आ जाना। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपने जो भी जीमेल लगा रखी है उस पर क्लिक करना और यहाँ पर मैनेज डिवाइस पर चले जाना। यहाँ पर आपने जो भी ऑटोमेटिकली ऐप इंस्टॉल होते रहते हैं या अपडेट होते रहते हैं इसे आपको बंद कर देना, जिससे अपना डाटा को बहुत बचत कर सकते हो। ऐसे आपका डाटा ऑटोमेटिकली अपलोड होता रहता है, ये इंस्टॉल होते रहते हैं जिससे अपना डाटा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।